प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह के दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे इजिप्ट के एंटोनी के बारे में। जन्म 251 ईस्वी, मृत्यु 356 ईस्वी, मूल स्थान कोमा इजिप्ट। आइए विस्तृत में हम ध्यान देते हैं। कई शुरुआती मसीह लोग प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता विकसित करने, अपने सांसारिक जीवन को त्याग देकर मठवाद को गले लगा लिया। उन्होंने अत्यधिक स्वबलिदान का अभ्यास करके आध्यात्मिक जीवन जिया। उन शुरुआती भिक्षुकों में संत एंटोनी एक मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने एकांत, स्वबलिदान और प्रार्थना के जीवन व्यतीत किया और कई लोगों को ईश्वरी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इजिप्ट में एक धनी परिवार में जन्मे युवा एंटोनी ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति विरासत में प्राप्त की। उसी समय के दौरान एंटोनी मती रचित सुसमाचार में से एक भाग कोई पढ़ते हुए सुना जिसमें यीशु एक धनी युवक से कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। सुनकर एंटोनी को महसूस हुआ कि वह खुद उस धनी युवक है और तुरंत एंटोनी ठीक वैसा ही किया जैसा यीशु ने निर्देश दिया था। एंटोनी ने अपने घर और गांव को छोड़कर एक दूर दराज के इलाके में रहने लगे जहां उन्होंने अपना समय प्रार्थना और उपवास में बिताया। उन्होंने खुद को शरीर के सुख से वंचित कर दिया ताकि उनकी आत्मा मसीह में बलवंत हो। उनका जीवन एक युद्ध क्षेत्र बन गया था जहां वे दुष्ट आत्माओं के लगातार हमले में थे। उन्होंने अपनी आत्मा और शरीर पर शैतान के शातिर हमलों का मुकाबला करके जीत हासिल की। अब परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि से परिपूर्ण एंटोनी ने लोगों के साथ जय जीवन के लिए आध्यात्मिक रहस्यों को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद की तरह एक मठवासी जीवन जीने के लिए कई अन्य लोगों को प्रशिक्षित किया। जब 303 ईस्वी में रोमन सम्राट डायोक्लेशियन इजिप्ट में ईसाइयों को सता रहे थे तब एंटोनी सताए हुए परिवारों को सांत्वना देने के लिए अलेक्जेंड्रिया चले गए। उन्होंने उन लोगों के बीच सेवा की, सुसमाचार प्रचार किया और उन्हें इस दुनिया में सबसे अधिक मसीह से प्रेम करने के लिए बुलवा दिया। कई लोगों ने मसीह को स्वीकार करके मठवासी जीवन को अपना लिया। जब आर्यनवाद इजिप्ट के कई शुरुआती ईसाइयों को गुमराह कर रहा था तो एंटोनी ने इसके खिलाफ बाइबल की सच्चाई का बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिय, आपका हृदय किसके पीछे है? इस दुनिया के सुख या स्वर्गीय पिता के साथ संगति? प्रभु मुझे आध्यात्मिक लड़ाई में जय प्राप्त करने में मदद करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।